बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 है आपके पास। चैप्टर नंबर 6 है मोलैरिटी। चैप्टर नंबर 6 है मोलैरिटी, चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर नंबर 6 है सोल्यूशन, यानी नाम क्या है इसका, सोल्यूशन है। और टॉपिक क्या है, मोलैरिटी है। इसके न्यूमेरिकल और उसके डेफिनेशन वगैरह आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो जरा देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, आप डिस्कस कर लेते हैं मोलैरिटी की डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा, मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी की डेफिनेशन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन है चैप्टर का नाम। तो मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फार्मूला भी न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं से करवा देता हूँ। एक होती है मोलैलिटी, वो भी जरा देख लीजिए। वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर किलोग्राम। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इजीली मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर किलोग्राम इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी ठीक है, ये मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है। वो सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी, समझ लीजिए। तो ये आपके पास मोलैरिटी का न्यूमेरिकल है, मोलैलिटी के भी मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी है। डेटा बनाएंगे आप, अच्छे हेडिंग डाल के डेटा बनाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, मोलैरिटी मालूम करनी है आपको। तो मोलैरिटी का क्या है, मोलैरिटी है, इसको इस तरह मार्क लगा दिया, मास इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दें, मास इन ग्राम या गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो भी लिख दें, 9.8 ग्राम है। और आपको जो दिया हुआ है फार्मूला है, H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मोलर मास निकालना होगा। पहली वीडियो में मैंने, पहले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया सारा किस्सा निकालेंगे। तो 1 × 2 + 32 × 1 + 16 × 4 हो जाएगा, 2 होगा + 32 होगा + 64 होगा, 98 AMU इसका आंसर आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए, H2SO4 का आ गया। तो H2SO4 का मोलर मास या फार्मूला मास वगैरह कितना होगा, 98 हो जाएगा AMU। ये तो बन गया आपके पास डेटा। अब आप लगाएंगे फार्मूला, तो फार्मूले की भी अच्छी सेटिंग डाल दिएगा। फार्मूला, तो फार्मूला क्या है मोलैरिटी, पहले आएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो सवाल में दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि पर लीटर, एक लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं, तो इसलिए 1000 आया। फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर में दिया जाएगा वॉल्यूम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी वॉल्यूम का यूनिट। तो अब जरा देखें, मास है आपके पास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना आपके पास, 9.8 है का, मल्टीप्लाई बाय 1000 है का, और फार्मूला मास कितना है जरा देखें, 98 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना आपके पास, कितना है वॉल्यूम, यहाँ लिख लें 500 ml। ये भी डेटा में लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा वॉल्यूम कितना है, 500 ml। तो ये जो ml में होगा, डेसीमीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, लीटर में होगा, वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया आपको। तो मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आएगा, 0.2 m आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्या करेंगे आप, मोलैरिटी निकालेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स वगैरह और कर लीजिए, फिर मैं आपको मोलैरिटी भी समझा दूंगा। तो एक सवाल हो रहा है, इसको भी देखते हैं जरा। देखिए 20 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट दिया भाई, सवाल में उन्होंने डेटा बनाएंगे। क्या कह रहे हैं, 20 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट यानी NaCl। टेबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, NaCl को, यानी जो टेबल पे नमक, खाने वाला नमक समझ लें। इज डिजोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलैरिटी इसकी मालूम कर लें। तो मास, गिवन मास या मास ऑफ सोल्यूट समझ लें, क्या कितना दिया है, मास इन ग्राम कह दें, सो या गिवन मास कह दें, जो चाहे कह दें, कितना दिया आपको, 200 ग्राम दिया हुआ है। अच्छी तरह इसको लिख लीजिएगा। अच्छा जी, अब क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में, मिली लीटर में, डेसीमीटर क्यूब वगैरह में दी जाएगी, वो क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी। तो इसको पहले लिख लें, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, 500 सेंटीमीटर क्यूब,
अच्छा, कैलकुलेट मोलारिटी कह रहे हैं। मोलारिटी आपको मालूम करनी है, अब आपको मोलर मास भी निकालना होगा। जैसे NaCl का मोलर मास है, NaCl का मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए। मोलर मास पे एक वीडियो रख से बन चुकी है। NaCl है 23 मल्टीप्लाई 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई 1, जमा कर लीजिए दोनों को 35.5, तो कितना का 58 AMU आ जाएगा। तो इसका 58 आ जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास लिख दें यहाँ, मोलर मास ऑफ NaCl कितना आया, 58.5 AMU आ गया। आप इसका क्या करें, डेटा फार्मूला लिखें, फार्मूला की टिंग अच्छी सी। फार्मूला क्या लगाएंगे, वही जैसे मैंने आपको बताया मोलारिटी का फार्मूला लगेगा। मोलारिटी क्या है, कैपिटल एम लिख दीजिएगा, मास मास ऑफ सोल्यूट लिखिएगा, पूरा लिखिएगा मास ऑफ सोल्यूट या गिवन मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पूरा लिखिएगा वॉल्यूम कितने। जरा देखें मास कितना आपके पास, जो गिवन मास है 20 ग्राम दिया भाई उन्होंने, 20 ग्राम सो कर लीजिएगा, नॉट 200 ग्राम, हाँ 20 ग्राम है, 20 है मल्टीप्लाई बाय 1000 है। फार्मूला मास कितना आपके पास, 58.5 है। इसको अच्छी तरह देखिएगा, वॉल्यूम क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब, एक एक चीज को अच्छी तरह देखिएगा। तो जरा देखें फिर क्या है, 0.68 आ जाएगा, 0.683 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट होगा इसका। तो इस तरीके से ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं आप। तो ये निकल गई मोलैरिटी। तो इस तरीके से भी क्या है, दूसरा सवाल है इसका, NaCl की बुक का सवाल है, पहले वाला 10 ईयर का था। तो इस तरीके से आप क्या है निकाल सकते हैं मोलैरिटी। एक सवाल इसका और करें, फिर मैं आपको मोलैरिटी का भी कराता हूँ। बच्चों जरा देखो एक और सवाल है, इसमें क्या है, पहले मोलैरिटी कह रहे थे, अब मोलैरिटी गिवन है, तो आपको क्या करना है, मास मालूम करना है। सवाल पढ़ते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, फार्मूला दिया हुआ ऑक्सैलिक एसिड का, उसका मास आपको मालूम करना है। आपने बनाया डेटा, ये आप डेटा बनाएंगे, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या करना है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मालूम करना है, जिसका फार्मूला C2H2O4 है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और मोलारिटी इन्होंने दी हुई है, कितनी दी हुई है, आप इन्होंने मोलारिटी दे दी, मास मालूम करना है, 2 मोलर दे दी इन्होंने। अच्छा मालूम, इसका मास मालूम करना है, मास ऑफ सोल्यूट मालूम करना है, मास ऑफ सोल्यूट आपको मालूम करना है। अब इन्होंने ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है, इसका मोलर मास C2H2O4 है, इसका क्या करना है आपको, मोलर मास भी मालूम करना है, वो कर लेते हैं अभी। तो जरा देखें पहले मोलर मास मालूम कर लें, C2H2O4 है, ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है, वीक एसिड है C2H2O4, तो जरा देखें इसको किसान निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 64 निकाल लें, 64 में 26 जमा करें, 26 प्लस 64 90 ग्राम पर मोल या AMU, एक ही बात है लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, 90 आ गया, आपने यहाँ लिख दिया 90 AMU या ग्राम पर मोल, एक ही बात है। आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखें, इसका क्या है वही, पहले तो आप मोलारिटी का आम फार्मूला लिख लें, मोलारिटी गिवन मास, जो कि हमने मास ऑफ सोल्यूट भी कह सकते हैं, एक ही बात है, गिवन मास या मास ऑफ सोल्यूट कह लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो भी हमने कैलकुलेट किया है, मोलर मास हो गया, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के लिए हजम यानी। अच्छा भाई गिवन मास कितना आपके पास, जो दिया हुआ है गिवन मास जो आपने निकाला है, ये अभी निकालेंगे हम, दिया हुआ नहीं तो इसका मतलब निकालेंगे, कुछ सा मार्क लगा दें इसके ऊपर, कुछ सा मार्क, मल्टीप्लाई बाय 1000, मोलर मास कितना आपके पास, मोलर मास 90 आया है, और वॉल्यूम कितना दिया है आपके पास, 100 दिया हुआ आपको, 100
सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, 100 ही लिख दें, उसके सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं। अब मोलारिटी आपको कितनी दी हुई है यहाँ, मोलारिटी कितनी दी हुई है आपको, 2 m दे दी, ये आपने 2 m लिख दिया। अब क्या करना है, जरा एक काम करें, इसको इसके जगह लिख दें आप, इसके जगह मैं रेड पेन से मार्कर से लिख देता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट ए गिवन मास, मास ऑफ सोल्यूट ये आपको निकालना है। पहले तो एक काम करें आप, ये 2 है, 1000 को 100 से काट दें, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, ये 90 यहाँ के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हो जाएगा, कितना बचा, मास मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अच्छी तरह देखें इसको, और मल्टीप्लाई में कितना आया आपके पास, 10 आ गया, 1000 को 100 से काटा, डिवाइड किया समझ लें। अब जरा देखें कितना आएगा, ये 180 हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट है मल्टीप्लाई बाय 10 है, ये मल्टीप्लाई हो यहाँ के आपका डिवाइड हो जाएगा 180, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आया, 180 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट था मल्टीप्लाई बाय 10 था, तो क्या होगा, डिवाइड करें 180 मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा, डिवाइड होगा 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, 10 को 180 से, 180 को 10 से डिवाइड करें 18 आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट ये आपके पास बचा। तो आप ये लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट कितना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम। इस तरीके से क्या करेंगे आप, मास निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको निकाल लाना चाहिए, अलग सा फार्मूले से सवाल आएगा, आपको फार्मूला क्या करना पड़ेगा, इसमें अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और सवाल है, कैलकुलेट मोलैलिटी, एक होती है मोलैरिटी, एक होती है मोलैलिटी, एक ही बात है, वो लिक्विड में होती है सॉलिड में होती है, इसकी भी डिफिनेशन मैं लिख ही देता हूँ। चले, मोलैलिटी होती क्या है, डिफिनेशन देख लें इसकी भी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर किलोग्राम इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला वगैरह उसी तरह होगा, बस थोड़ा सा फर्क था जो मैंने आपको बता दिया, तो आप इसका भी डेटा बनाएं, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो क्या करेंगे, मोलैलिटी है, इसको क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे या कंटेनिंग 18 ग्राम, कितना है भाई 18 ग्राम, मास कितना है जरा देखें, गिवन मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट के लिए गिवन मास कितना है, 18 ग्राम, 18 ग्राम के लिए ग्लूकोज है, तो C6H12O12 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, ये फर्क है बस थोड़ा सा, उसका वॉल्यूम होता था, इसमें क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 300 ग्राम आ जाएगा। और आपको करना क्या है, निकालना क्या है, मोलरिटी निकालनी है, इस तरीके से आप कर लेंगे, ग्लूकोज है तो C6H12O6 है, इसका मोलर मास आपको निकालना होगा, निकाल लेते हैं अभी, C6H12O6, C6H12O6 है ग्लूकोज है, तो कितना आएगा, 180 होगा इसका, निकाल लें वो भी, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 180 amu आ जाएगा, या ग्राम पर मूवी बोल सकते हैं, यहाँ कितना लिख दें, 180 amu आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, मोलैलिटी का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा वो भी ज़रा देख लें, मोलैलिटी गिवन मास जो दिया हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 1000 मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख लें, गिवन मास कितना आपके पास, जरा देखें, 18 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 मोलर मास कितना, 180 जो आपने निकाला, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आपके पास, 300 आ जाएगा, तो क्या होगा, ये मोलैलिटी निकल जाएगी। तो मोलैलिटी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या आएगा इसके बाद, इसका आंसर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, 0.33
आ जाएगा मॉलिलिटी, तो लिख रहे हैं यहाँ मॉलिलिटी। इस तरीके से क्या करेंगे आप, निकाल लीजिएगा, मोलरिटी भी हो गया, मोलिलिटी का भी एक सबक हो गया। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।